हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर ब्लड सर्कुलेशन। इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में। फर्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं ब्लड। जब आप इनहेल करते हैं यानी सांस लेते हैं, तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक जाती है। अब लंग्स से आपकी बॉडी की हर सेल तक उस ऑक्सीजन को कौन पहुँचाता है, वो वर्क करता है हमारा ब्लड। अब जब आपकी सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती हैं, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक जाने का कौन काम करता है, वो करता है ब्लड। यानी ब्लड का वर्क क्या होता है आपकी बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशंस का, सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन का। अब आपको इसकी डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कैसे लिखेंगे, इन आवर बॉडी ए रेड कलर्ड फ्लूड इज प्रेजेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ब्लड। हमारी बॉडी में एक रेड कलर का फ्लूड होता है जो कि सब्सटेंसेज के ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, वही क्या कहलाएगा, ब्लड। अब आप ये तो है नहीं कि आपका ब्लड ओपनली फ्लो करता है, आपका ब्लड फ्लो किसी न किसी चीज़ में तो फ्लो करता ही होगा। तो ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेजल्स, किस में फ्लो करता है ब्लड, ब्लड वेजल्स में। ब्लड वेजल्स क्या होती हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। आपकी ब्लड वेजल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी, और आपका ब्लड फ्लो उनमें ब्लड फ्लो करता है। मेनली आपकी बॉडी में ब्लड वेजल्स कौन कौन सी होती है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनके बारे में हम आपको बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ब्लड कंपोजिशन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लड कंपोज ऑफ। हमारा ब्लड किन चीज़ों से बना हुआ है, हमारा ब्लड जो है दो चीज़ों से बना हुआ है, फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड कार्पिकल्स, या फिर आप इन्हें सेल्स भी बोल सकते हो। अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा कौन से फॉर्म में होता है, प्लाज्मा किस में होता है आपके, लिक्विड फॉर्म में होता है, प्लाज्मा इन लिक्विड फॉर्म। इट इज लाइक येलो कलर्ड, कैसा होता है आपका प्लाज्मा, हल्के पीले रंग का। इट इज़ ए स्टिकी सब्सटेंस, कैसा पदार्थ होता है ये, चिपचिपा। हमारे ब्लड का 50-60% प्लाज्मा होता है और 40% क्या होती है ब्लड में, सेल्स। अभी हमने पढ़ा कि ब्लड में 50-60% क्या होता है, प्लाज्मा, और 40% सेल्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा किन किन चीज़ों से बना हुआ है, हमारा प्लाज्मा किन किन चीज़ों से बना हुआ है। फर्स्ट, प्लाज्मा इज कम्पोज ऑफ 90% वाटर एंड 10% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हमारा जो प्लाज्मा है वो 90% वाटर से और 10% इसमें कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, हार्मोन्स, सॉल्ट्स। ब्लड सॉल्टीज एंड टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन प्लाज्मा। हमारा ब्लड का टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टिश होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि जो सॉल्ट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में, इसी कारण आपका जो ब्लड है वो सॉल्टिश होता है टेस्ट में। प्लाज्मा कीप्स द ब्लड इन लिक्विड फॉर्म, हमारा जो प्लाज्मा है वो हमारे ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है। इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपके ब्लड को कौन लिक्विड फॉर्म में रखता है, तो कैसे लिखेंगे, वो आप लिखेंगे प्लाज्मा कीप्स द ब्लड इन लिक्विड फॉर्म, इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। अब क्या है आपकी सेल्स, ब्लड सेल्स कैसी होती है फॉर्म में, सॉलिड होती है। हमारा ब्लड दो चीज़ों से बना हुआ है, फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा तो होता है लिक्विड फॉर्म में और सेल्स होती है सॉलिड फॉर्म में। और ये मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो ब्लड है उसमें 40% सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, ब्लड सेल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। हम फर्स्ट पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स आपकी क्या कहलाती है, दूसरा नाम क्या है उसका, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मीन्स है रेड एंड साइट्स का मीन्स होता है सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर राउंड शीट एंड बाई कॉन्केव, फ्लैटन एट द बोथ साइड।
अब यहाँ पे आपको उसकी स्ट्रक्चर बता रहा है कि आपकी रेड ब्लड सेल्स कैसी होती हैं, गोल होती हैं और कैसी होगी उनकी शेप बाइकॉनकेव। मैं आपको बता बना के बताती हूँ। आप जब ऊपर से देखते हैं तो ये ऐसी लगती है और जब आप साइड से इसको देखेंगे तो ऐसी होती है आपकी रेड ब्लड सेल्स। इन RBCs न्यूक्लियस इज एब्सेंट। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसमें एक और चीज़ याद रखना, जब वो इम्योच्योर होती है यानी जब वो मैच्योर नहीं होते तब उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वो मैच्योर होती है ग्रो करती है तो वो अपनी न्यूक्लियस को यूटिलाइज कर लेती है। इसी कारण क्या है, RBCs में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाते हैं और इनमें ये गढ़ा सा रह जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन बोन मैरो। हमारी रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में। अब आप जानते हो बोन मैरो क्या होता है, मैं उसकी स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये क्या है, आपकी बोन है। ठीक है, अब बोन में क्या होती है, कैविटी, यानी वो कैसी होती है, खाली होती है बीच में से। अब इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होता है टिश्यू, उसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। ठीक है, लाइफ स्पान ऑफ RBC इज 120 डेज। आपकी जो RBCs है वो उनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 120 दिन। रेड ब्लड सेल्स हैव अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन, विच प्रोवाइड्स रेड कलर टू ब्लड। हमारी रेड ब्लड सेल्स के पास क्या होता है, एक पिगमेंट यानी जो कलर देता है, पिगमेंट का मीनिंग क्या होगा, जो आपको कलर देता है। तो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसी कारण हमारा जो ब्लड है वो कैसा होता है, रेड कलर का है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन बन सकता है। अब हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन द होल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या वर्क करता है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी करता है। ये हमारी बॉडी की हर सेल तक ऑक्सीजन लेके जाता है, वो भी किस फॉर्म में, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसका नाम है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और जब वो आपका ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है। जब सेल्स यूटिलाइज कर लेती है ऑक्सीजन को और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हीमोग्लोबिन लेके जाता है तो उसके साथ वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं कार्बे एमिनोग्लोबिन। ठीक है, हम पढ़ेंगे RBC का फंक्शन, क्या RBC का फंक्शन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये किसका वर्क करती है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का। आपकी बॉडी के हर सेल तक क्या RBCs क्या करती हैं, ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। और इसका सेकंड मेन फंक्शन है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, वे उसी को मेंटेन करती है, कॉन्स्टेंट रखती है। सेकंड है वाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स उनको हम एक और नाम से क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड साइट मीन्स सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स आर लार्ज एंड न्यूक्लिएटेड। हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स वो कैसी होती है, साइज में बड़ी होती है और उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इरेगुलर इन शेप, यानी इनकी शेप जो है परफेक्ट नहीं होती है, कैसी भी हो सकती है। जैसे कि हमारा अमीबा होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स फॉर्म कर लेता है, वैसे ही आपकी WBC होती है, इनकी शेप फिक्स नहीं होती है, अलग अलग होती हैं। दे आर कलरलेस बिकॉज दे डोंट हैव एनी पिगमेंट। हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स है वो कैसी होती हैं, कलरलेस, यानी उनमें कोई भी कलर नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। लेकिन हमारे RBC में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। देयर नंबर इज लेस एज कंपेयर टू रेड ब्लड सेल्स।
इनका जो नंबर है आरबीसी से कम होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स, या हमारी बॉडी की क्या कहलाती हैं, सोल्जर्स। याद रखना कि WBC कौन से सेल्स हैं जो कि सोल्जर्स कहलाती हैं, तो वो क्या होगा, WBCs कहलाती हैं आपकी बॉडी की सोल्जर्स। हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, कि वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है। दे डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टिव पैथोजेंस और पैरासाइट्स, देयर फंक्शन इज डिफेंसिव। ये क्या करती हैं, जो भी पैथोजेंस जो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, उनके साथ फाइट करके। पैथोजेंस क्या होते हैं, जो भी इन्फेक्टिव बैक्टीरिया वायरसेस जो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं डिजीज कॉज करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस। ये उनके साथ फाइट करती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। इनका फंक्शन कैसा होता है, डिफेंसिव यानी बचाव करने का। और ये जो है हमारे ब्लड को क्लीन करती है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। अब हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे ब्लड सेल्स का, जो कि है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स क्या कहलाती है दूसरे नाम से, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड प्लेटलेट्स आर स्मॉल इन साइज एंड इरेगुलर। ब्लड प्लेटलेट्स कैसी होती हैं साइज में, छोटी होती है, और इनकी भी शेप कैसी होती है, इरेगुलर, कि इनकी कोई भी शेप फिक्स नहीं होती है। न्यूक्लियस इज एबसेंट, प्लेटलेट्स में क्या है, न्यूक्लियस एबसेंट होता है। दिस इज फॉर्मड इन बोन मैरो, ये भी कहाँ बनती है आपके बोन मैरो में। अब ये आप याद रखना कि जो रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स दोनों में ही न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ओनली वाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, कि ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है। देयर मेन फंक्शन इज टू हेल्प इन क्लोटिंग, किस में हेल्प करती है, क्लोटिंग में। जब आपको कहीं पे भी लग जाती है, जब आपको ब्लड फ्लो होता है तो कैसे रुकता है, वो ब्लड प्लेटलेट्स की मदद से रुकता है। ये थिन फाइबर्स से, एक थिन फाइबर्स मिलके क्लॉट बनाते हैं और उनसे क्या आपके ब्लड फ्लो को रुक जाता है। आपने देखा होगा आपको लगने के बाद वो ब्लैक ब्लैक से आ जाता है ना, ब्राउन ब्राउन, वो प्लेटलेट्स से कारण ही होता है, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो, यानी आपके ब्लड यानी आपका ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, इसलिए ब्लड प्लेटलेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम वापस रिवाइज करते हैं, फ्लो चार्ट की मदद से करेंगे। क्या है ब्लड, एक एडल्ट में कितना ब्लड होता है, 5 to 6 liter। ब्लड को ब्लड जो है दो पार्ट्स बना हुआ है, फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड सेल्स। हमारे ब्लड में 50-60% क्या होता है, प्लाज्मा, और 40% क्या होती हैं, सेल्स। प्लाज्मा कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और सेल्स कौन सी फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में। हमारा जो प्लाज्मा है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, 90% वाटर से और 10% अदर सब्सटेंसेस से, जैसे हार्मोन, सॉल्ट्स, इनसे। हार्मोन्स क्या होता है, एक केमिकल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मेनली जो सॉल्ट है वो कौन सा, याद रखोगे आप, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। आपकी जो ब्लड है उसका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टिस, क्योंकि हमारे प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स। अब जो सेल्स हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या कहलाती है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट्स मीन्स सेल्स। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनकी शेप कैसी होती है, राउंड और बाइकॉनकेव शेप्ड। किसमें फॉर्म्ड होती है, बोन मैरो में। इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। अब है व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या कहलाती हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड साइट्स मीन्स सेल्स। इनकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर, और ये कैसी होती है, कलरलेस, यानी इनमें कोई भी कलर नहीं होता है, क्योंकि इनमें पिगमेंट्स क्या होते हैं,
एब्सेंट होते हैं, और इसमें क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थर्ड है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या कहलाती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ये डेराइव्ड एक ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है क्लोटिंग। इनमें क्या होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनकी साइज कैसे होती है, स्मॉल होती है। ये कहाँ बनती है, बोन मैरो में, और कैसी होती है शेप में, इरेगुलर। ठीक है, आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ब्लड ग्रुप्स।